साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एल्केमिस्ट विधि का भाग 3 बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है उनके लिए भी मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि भाग 1 और भाग 2 की बातें फिर से रिपीट हो जाए और जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो में उनको भी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाद में आप आराम से भाग 1 और भाग 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनसे जाके आप आराम से देख सकते हैं। मोटा मोटा एल्केमिस्ट विधि में यही है कि इसमें हम निफ्टी के ETF की सहायता से इस प्रकार से पैसा कमाते हैं कि आपको अन्य शेयरों में ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। निफ्टी का ETF चूंकि सेफ भी होता है, एक प्रकार का म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन आप पर्टिकुलर शेयरों में ट्रेड करते हो उसकी तुलना में इसमें हमें जीत के दिखाना है। देखिए, एक तो ये आप बात याद रखिए, एल्केमिस्ट विधि में पर्टिकुलर शेयरों की ट्रेडिंग से ज़्यादा इनकम होगी, तभी तो इसका फायदा है, तभी तो इसकी तरफ आने का मजा है। तो ये विधि मैंने पूरे वैज्ञानिक आधार पर विकसित की है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करके इसके भाग 1 और भाग 2 में आपने क्या सीखा उन बातों को रिपीट करते हुए भाग 3 को स्टार्ट करता हूँ। तो एल्केमिस्ट विधि का जो पहला भाग हमने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि निफ्टी के अलग अलग ETF अलग अलग कंपनी के जो होते हैं उनको हम यदि अलग अलग स्तर पर खरीदते हैं। देखो, पहले भाग को मैं आपको याद दिला दूँ जिन्होंने देखा है उनको भी, और जिन्होंने नहीं देखा उनको समझा दूँ कि जो निफ्टी बीज है वो निफ्टी पर आधारित ETF है। SBI का SETF निफ्टी 50 है, ये भी निफ्टी पर आधारित ETF है। सभी के अंदर निफ्टी के 50 शेयर ही होते हैं। अब क्या है, मुझे पता नहीं लोगों का IQ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वो समझने की कोशिश नहीं करते। वो जब मैंने ये कहा कि इनको अलग अलग स्तरों पे खरीदते हैं तो ये अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। किसी को 1 तारीख को खरीदा, किसी को 5 तारीख को खरीदा, किसी को 10 तारीख को खरीदा, तो सब में प्राइस में अंतर आ जाता है। तो जैसे अलग अलग शेयर खरीदे उसी तरह से काम करते हैं। और जब इनमें हम 6% प्रॉफिट लेने की बात करते हैं तो कभी इसमें प्रॉफिट पहले आएगा, कभी इसमें पहले आएगा, कभी इसमें आएगा। तो लोग कमेंट करते हैं कि साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है, सब निफ्टी के ETF है, निफ्टी बढ़ेगा तो सारे बढ़ेंगे, निफ्टी घटेगा तो सारे घटेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ETF में ट्रैकिंग एरर भी होती है और टाइम फैक्टर आप इग्नोर कर रहे हो। टाइम फैक्टर देखो, किसी को आप 5 दिन पहले ले रहे हो, किसी को 5 दिन बाद ले रहे हो, तब तक मार्केट में फर्क आ जाएगा, या तो मार्केट बढ़ जाएगा या मार्केट घट जाएगा। तो टाइम फैक्टर भी होता है और ये बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं, भले ही सारे के सारे निफ्टी के ETF हो। यही तो इस विधि के अंदर कमाल है कि इसमें हम एक शेयर नहीं खरीदते, हम पूरा पोर्टफोलियो खरीदते हैं। तो पूरा पोर्टफोलियो खरीद के इसको शेयरों की तरह हम ट्रेड करते हैं इसके अंदर। तो पहले भाग में समझाया था आपको कि निफ्टी के अलग अलग कंपनी के जब ETF लेते हैं और कैसे लेते हैं, पहले भाग में बताया था कि पहले इस ETF में मान लो हमने निवेश किया और थोड़ी सी राशि का निवेश किया इसमें, और जब ये 6% गिर जाएगा तो ट्रैक चेंज करके हम इसमें आ जाएंगे, फिर हम इसको लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो कहेंगे भी एक प्रकार की एवरेज आउट ही हुई। अरे भाइयों, एवरेज आउट नहीं हुई, मैं आपको प्रैक्टिकल सीट में एग्जांपल बताऊंगा कि जब ये ETF 100 रुपये का था, ये गिर के 90 पे आ गया, मान लो तो आपने 90 पे लिया, तो ये 90 वाला तो थोड़ा सा 95-96 जाएगा, तभी आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। एवरेज करोगे तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, और ये पढ़ा रहेगा। इसकी भी विधि बताई थी पहले भाग में कि कैसे बाहर निकलना है इससे। अब मैं ज़्यादा पहला भाग पूरा पढ़ाने लगूंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटा आपको ये बता दिया पहले भाग में कि निफ्टी के एक जैसे ETF भी है, लेकिन इनको अलग अलग स्तरों पे लिया जाए तो अलग अलग प्रकार से परफॉर्म करते हैं। एक इसमें ये बताया कि इसमें लगभग 15 महीने की SIP कर दी जाए, तो गिरने के बाद निफ्टी का ETF गिर गया, मान लो 100 से गिर के 90 पे आ गया, या आपने 80 पे लिया, तो इस 100 वाले में आगे 15 महीने की SIP कर दी जाए तो ये भी बाहर निकल जाता है 6% प्रॉफिट कमा के। ये विधि बताई थी। अब 15 महीने कोई श्योर नहीं है, अब आप ये मत सोचो, किसी किसी के अंदर आपको जो है 15 महीने की जगह 20 महीने की SIP भी करनी पड़ सकती है, लेकिन एवरेज ओवरऑल जो है 15 महीने की, किसी में 1 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, किसी में 15 दिन में हो जाएगा। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल भाग दिखाऊंगा, तब आप इस बात को और समझेंगे। जिन्होंने पहले और दूसरे भाग देखे वो तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, नए लोग जो है वो आगे और प्रैक्टिकल भाग में जाके और समझ लेंगे। तो दूसरे भाग में जब हम आए, दूसरे भाग में मैंने आपको यह समझाया कि इनको अलग अलग डेट में फिक्स कर दो, 6% गिरने में आपके क्या है गणना में गुणा भाग में मुश्किल रहेगी। तो अलग अलग डेट वाइज हमने इसको फिक्स कर दिया कि किसी महीने की 1 तारीख को निफ्टी बीज के ETF लेंगे, और एक स्टैंडर्ड अमाउंट रखी मैंने कि यदि आपके पास में 1 लाख रुपये है तो स्टार्टिंग में आपको 6,000 रुपये का निवेश करना है। स्टैंडर्ड निवेश ये है कि 1 लाख रुपये है तो एक ETF में आपको स्टार्टिंग में 6,000 का निवेश करना है, 94,000 का कैश रख के उसके ऊपर बैठे रहो, आराम से पूरा पैसा चला जाएगा मार्केट में आराम से। बस हम अलग अलग स्तर पे डालेंगे, एक बार रोटेशन बन जाएगी तो लगभग आपका पूरा पैसा घूमता रहेगा आगे के भागों में। इसकी भी मैं पूरी एक्सेल शीट बना के आपको दिखाऊंगा। तो निफ्टी बीज में
पहले हमने 1 तारीख को 6,000 रुपया का निवेश कर दिया, उसके बाद क्या करना है, 5 तारीख को निवेश नहीं करना, पूरा 1 महीना इंतजार करना है, 35 दिन का गैप होना चाहिए, तभी तो अलग अलग स्तर पे बढ़ेंगे ये, क्योंकि मार्केट 5 दिन में कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। एक बार प्रारंभिक निवेश के अंदर एक बार निफ्टी बीच में 6,000 का निवेश कर दिया तो SETF निफ्टी में आपको अगले महीने की 5 तारीख को निवेश करना है, फिर उससे अगले महीने की 10 तारीख को ICICI निफ्टी के अंदर निवेश करना है, फिर उससे अगले महीने की 15 तारीख को कोटेक निफ्टी में निवेश करना है, फिर उससे अगले महीने की 20 तारीख को HDFC निफ्टी ETF में निवेश करना है। ऐसे 6 महीने में ये पूरा पैसा धीरे 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 पूरा भी नहीं जाएगा, 6,000 रुपये का हर बार निवेश करना है आपको, तो इस प्रकार से 6 महीने में 36,000 तो इसमें प्रारंभिक पैसा जाएगा। अब इस दरमियान क्या हो सकता है, बीच में आपका प्रॉफिट बुक भी हो सकता है, 6% प्रॉफिट टारगेट इसके अंदर हम रखते हैं, 6% प्रॉफिट टारगेट। जो नए लोग हैं उनके ये थ्योरेटिकल भाग समझ में नहीं आए तो घबराना मत, आगे मैं एक्सेल शीट में इनके सब के हिस्टोरिकल डाटा से प्रैक्टिकल भी आपको सिखाने वाला हूँ। पहले आप थ्योरेटिकल भाग जितना समझ में आए उतना सीख लीजिए, देखो कोई मुश्किल नहीं है। आपने निफ्टी बीज ETF लिया, इसमें 6,000 का निवेश किया, 1 तारीख को लिया, मान लो 1 जुलाई को आपने लिया, मान लीजिए 1 जुलाई को आपने निफ्टी बीज ETF लिया, इसमें 6,000 का प्रारंभिक निवेश किया, उसके बाद इसमें यदि 6% प्रॉफिट 20 जुलाई को ही हो गया, 20 जुलाई को 6% प्रॉफिट हो गया, तो वापस कब खरीदना है इसको, 21 जुलाई को दोबारा नहीं खरीदना, इसकी तारीख फिक्स है, जब भी खरीदेंगे इसको 1 तारीख को खरीदेंगे, इसकी तारीख फिक्स है, जब भी इसको खरीदेंगे इसको 5 तारीख को खरीदेंगे, इसकी तारीख फिक्स है, जब भी इसको खरीदेंगे 10 तारीख को खरीदेंगे। तो बीच में मान लीजिए इस ETF का प्रॉफिट जो है किसी महीने की 28 तारीख को हो गया, इस ETF का प्रॉफिट बुक किसी महीने की 28 तारीख को हो गया, तो वापस उसको अगले महीने 10 तारीख को खरीदना है। एक तो आपको ये इनकी डेट फिक्स रखनी है, तभी तो अलग अलग भागों में बटे हुए रहेंगे, अलग स्तरों में बटे रहेंगे, ये मजा इसका कब मजा आएगा, जब मार्केट गिरेगा जब मजा आएगा आपको, फिर आप अलग अलग स्तर पर खरीदारी करोगे तो कोई जो नीचे के स्तर पर खरीदा होगा वो सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट बढ़ते ही निकल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है, अभी कितना बढ़ गया मार्केट देखो तो भी आपके पोर्टफोलियो ज़्यादातर के लॉस में दिखाई देंगे आपको। तो क्या होता है कि हम पहले लॉस रिकवर करने में लगे रहते हैं, पूछता हूं मैं लोगों को कि क्या कर रहे हो मार्केट तक मार के लॉस रिकवर कर रहे हैं, तो लॉस रिकवर करने में लगे रहते हैं, फिर कहीं तो भी पूछ रहे हैं सर पैसा आप क्या करूं, डाल दूं क्या, गिरेगा क्या, तो हर स्तर पे नहीं डालते हम लोग, जबकि हमारा पैटर्न ये हर स्तर पे डाल दो, अब इंतजार कर रहे हैं जब वो आपका निफ्टी बढ़ के 19,000, 20,000, 21,000 चला जाएगा ना, फिर से गिरने का टाइम आ जाएगा, तब सारा पैसा FDO से निकाल के डालेंगे, तब रोज मुझे ईमेल करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट अमीर होने वाले शेयर बताओ फटाफट, और फिर बाद में दोबारा गिरने का टाइम आ जाएगा, तो फिर से गाड़ियां निकालेंगे। तो ये विधि इस तरह से कि आपको अलग अलग स्तर पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट हमेशा निवेश होती रहती है। तो एक तो आपको बात समझ में आ गई कि बीच में प्रॉफिट बुक हो गया तो आपको क्या करना है, वापस उसको उसी तारीख को निवेश करना है, 1 जुलाई का लिया हुआ है तो वापस ये 1 अगस्त को लिया जाएगा, यदि प्रॉफिट बुक हो गया तो पूरा 6,000 का लिया जाएगा, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो 1 अगस्त को इसकी SIP जाएगी, 6,000 के बाद 1600 रुपये महीने की, 1600 रुपये महीने की इसमें SIP जाएगी जब तक प्रॉफिट बुक नहीं हो जाए। अब मैंने बता रखा है कि साहब लगभग 15,000 रुपये तक का आपके निवेश इसके अंदर होगा, 15 किस्तों के करीब SIP जाएगी, लेकिन आपको श्योर नहीं है 15 से 16 भी चली जाए, कभी 17 भी चली जाए, तो ये थोड़ी है 15 हो जाए बाहर, आप पूछो कि साहब क्या करूँ, SIP रोक दूँ क्या, आपने कहा था 15 में हो जाएगा प्रॉफिट बुक, हुआ नहीं 16 हो गई, तो अरे भाई आप पोर्टफोलियो खरीद रहे हो आखिर तो बढ़ेगा ना, निफ्टी जब गिरता है तो आखिर बढ़ेगा ही। और देखो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंडेक्स के अंदर कभी भी न्याय नहीं होता, ये एक अन्याय टाइप समझो आप इसको, अब आप अन्याय टाइप ऐसे ऐसे किस प्रकार बोल रहे हो, तो वो इसलिए कि इसमें शेयर चेंज होते रहते हैं, आपका पर्टिकुलर शेयर यदि टूट गया तो निफ्टी वालों को कोई मतलब नहीं, 2 निफ्टी के शेयर निकाल के बाहर फेंकेंगे, 2 नए डाल देंगे अंदर, वो निफ्टी तो बढ़ता रहेगा, वो तो 20,000, 21,000 जाएगा, तो इसलिए ये ठीक रहता है। हमेशा आपको क्या होता है, आप खुद लॉस बुक करके किसी शेयर को शिफ्ट करते हो तो आपको पेन होता है, लेकिन आप ETF में रहते हो, पोर्टफोलियो में रहते हो, तो ETF वालों का हेडेक है कि वो शेयर जो निफ्टी से बाहर हो गए उनको बेचेंगे, जो निफ्टी के अंदर आ गए उनको परचेज करेंगे। तो ये बात आपके मोटी मोटी समझ में आ गई होगी, ये दूसरे भाग तक की बात थी। तो अब क्या पहले भाग में मैंने आप लोगों को बेवकूफ बनाया था, पहले भाग में मैंने कहा था ना कि 6% गिरे तो ट्रैक चेंज करना है, आपको कहा पहला भाग ऐसे सिखाने के लिए था, अरे भाई सिखाने के लिए नहीं था, इसमें ट्रैक चेंज अब भी करेंगे हम, इसके अंदर इस भाग में क्या होगा ट्रैक पर चेंज अब भी करेंगे। मान लो निफ्टी बीज आपने 1 जुलाई को लिया, इसमें 6,000 का निवेश किया, 1600 रुपये महीने की SIP चल रही है, 1 अगस्त चला गया, 1 सितंबर चला गया, 1 अक्टूबर चला गया, 1 नवंबर चला गया, आप 1600 रुपये महीने के SIP किए जा रहे हो, फिर मार्केट गिर जाता है और वो निफ्टी का ETF आपका 6% गिर जाता है, 6% गिर जाता है जो निफ्टी बीज है, ये मान लीजिए आपका
प्रॉफिट में तो प्लस 6% की जगह माइनस 6% रिटर्न देने लगता है। ये सब चीज हम कब देखते हैं, क्लोज प्राइस पे देखते हैं, मार्केट बंद होने के आसपास। ये पहला दूसरा भाग देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी ट्रेडिंग हमें कब करनी है, 3 बजे से लेके 3:30 तक करीबन, इसके बीच में ही करनी है हमें, जब मार्केट बंद होने के आसपास क्लोज प्राइस पे हमें करनी है। पूरा दिन प्राइस सेटल होता रहेगा। तो क्लोज प्राइस पे आपने देखा निफ्टी 20 का ETF 6% गिरा हुआ था, तो ट्रैक चेंज करके किसमें जाना है, आपको ट्रैक चेंज करके बैंक बीज में जाना है। ये देखो मैंने इधर ये बैंक वाले ETF इसीलिए लिखे हैं। अब आपको क्यों सा बैंक बीज में क्यों जाना है, तो देखो क्या होता है, ब्रॉडर मार्केट जब गिरता है, ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 50 में तो सभी सेक्टर्स के शेयर हैं, ये ब्रॉडर मार्केट जब गिरता है तो सेक्टोरल इंडेक्स और भी ज्यादा गिरते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स और भी ज्यादा गिरते हैं। ये 6% गिर गया तो आमतौर पे इसमें 8-10% तक गिरावट देखी जाएगी, कभी कभी विपरीत भी हो सकता है, कभी कभी रेयर चांस में। ऐसा मत करना, हिस्टोरिकल ढूंढ के मुझे ईमेल मत करना कि ये 6% गिरा था, देखो ये बैंक भी 3% ही गिरा था, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर यह होता है जब ब्रॉडर मार्केट गिरता है तो सेक्टोरल इंडेक्स और भी ज्यादा गिरते हैं, तो हम इसमें जाएंगे, फिर 6% गिर गया तो ट्रैक चेंज करके हम बैंक बीज में आएंगे, ये चलता रहेगा, इसमें SIP चलती रहेगी। लेकिन यदि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो अब आपके पास पैसा कम है, आप इसमें नहीं जा सकते, तो है पैसा पड़ा है तो बहुत फास्ट असर आएगा आपको। देखो मैं स्टॉक डाटा में दिखाऊंगा कि जब इसके 6% गिरने पर हम बैंक बीज में जाएंगे, इसमें वही सिस्टम रखेंगे, पहले 6000 का निवेश करेंगे, डेट वेट का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, जिस डेट को 6000 का निवेश हो गया उसके बाद उसी डेट को वापस 1600 रुपए महीने की इसमें SIP रखेंगे, और इसमें भी 6% प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे, तो बहुत जल्दी मिल जाता है इसमें। इसमें लगभग ज्यादातर में तो 1 महीने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता, किसी किसी में 1-2 SIP किस्त डालनी पड़ सकती है, और 1-2 किस्त डालते ही इसमें प्रॉफिट बुक हो जाता है। ये तो क्या पता कब प्रॉफिट में आएगा, लेकिन ये फिर पहले आ जाता है क्योंकि ये 6% गिरने के बाद इसमें हमने बैंक बीज में लिया है। तो हरेक का हमने एक फॉलोअप जो है ना, एक बैक ट्रैक का, हरेक का एक ट्रैक चेंज का ETF हमने फिक्स किया है कि निफ्टी बीज का साथी हम बैंक बीज को रखेंगे हमेशा, ताकि याद रहेगा। इस तरह मैंने एक ही कंपनी के लिए, मैंने इसको एक ही कंपनी के लेने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ICICI निफ्टी का ट्रैक चेंज ETF मैंने ICICI BKN यानी ICICI बैंक निफ्टी लिया है, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी कि मान लो ICICI निफ्टी है आपका, ये जो आपको क्लोज प्राइस में 6% गिरा मिले, तो सीधा सा याद है आपको कि ICICI BKN ICICI बैंक निफ्टी हमें कल से खरीदना प्रारंभ करना है। जिस दिन 6% क्लोज प्राइस में गिरा मिले उससे अगले दिन से हम इसको खरीदते हैं। सिस्टम वही रहेगा, इसमें भी 6000 का प्रारंभिक निवेश, बाद में 1600 रुपए की महीने की SIP। ऐसे ही कोटेक निफ्टी का ट्रैक चेंज ETF मैंने कोटेक बैंक ETF लिया है। HDFC निफ्टी ETF का ट्रैक चेंज ETF मैंने एच बैंक ETF यानी HDFC बैंक ETF लिया है। ये ध्यान रखना, ये अगस्त 2020 में ही लॉन्च हुआ था, तब आप इसका पिछले 3 साल का तो बैक टेस्ट कर ही नहीं सकते, 3 साल का बैक टेस्ट शीट बनाएंगे इसमें तो आप बना सकते हो, इसमें फिर आप अगस्त 2020 तक तो ठीक है इग्नोर करो, उसके बाद की आपकी इसकी बैक टेस्ट का रिपोर्ट आएगी। 3 साल का यदि हम बैक टेस्ट करते हैं तो ये लॉन्च ही अगस्त 2020 में हुआ है। और यहाँ मैंने चेंज कर दिया थोड़ा, जो पहले भाग में सीट थी यहाँ मिराई एसिट्स का निफ्टी 50 था, मैंने एक्सिस निफ्टी ले लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं अब आप भी चेंज कर दो, आप चाहो वो मर्जी है वो ले लेना यार। इसमें क्या होता है, एक ये ऐसा भी ईमेल बार बार आता है, ईमेल आते हैं, कमेंट आते हैं कि आपने जो म्यूचुअल फंड में स्विंग ट्रेडिंग की एक्सेल शीट बनाई है उसमें कॉइन में कुछ म्यूचुअल फंड चेंज हो गए हैं, इसको अपडेट कीजिए प्लीज। भाई अपना दिमाग भी लगाओ, इसको अपने दिमाग से अपडेट कर लो यार, उसकी जगह कॉइन में कोई दूसरे आए होंगे वो डाल लो। तो ये थोड़े बहुत आप अपने दिमाग से ऊपर नीचे कर सकते हो, कंपनी का ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क इनके अंदर नहीं है। तो मैं किसी कंपनी का यहाँ लिखूं तो आप यहाँ इसकी जगह BSL निफ्टी ले लो, चाहे भले दूसरी कंपनी का ले लो, लेकिन मैंने क्यों किया है, मैंने ये चेंज करने का मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, सीधा सा फार्मूला है कि मिराई एसिट्स का बैंक निफ्टी में ETF नहीं था, तो मैंने सोचा एक्सिस निफ्टी में बैंक निफ्टी में ETF मिल जाएगा, आपको याद करने में सुविधा रहेगी कि जिस कंपनी का निफ्टी ETF है निफ्टी का, उसी कंपनी का बैंक निफ्टी का ETF हो, तो आपको ट्रैक चेंज करने में याद करने में सुविधा रहेगी। एक्सिस निफ्टी है ये 6% गिरा हुआ मिले तो आपको एक्सिस बैंक निफ्टी ETF में शिफ्ट नहीं होना है, बेच के नहीं जाना है, ट्रैक चेंज करना है, यानी इसमें तो जो है वो चलता रहेगा, अगले दिन से इसमें भी एक नया निवेश स्टार्ट कर देना है। तो ये जल्दी फास्ट, बहुत ही फास्ट आपको आनंद दे करके वापस इसमें आप आराम चलते रहना। यानी ये गिरे हुए मार्केट में देखो क्या होता था कि फायर इन इंडिया वाले करसन जी इसकी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट लाए थे मेरे एल्केमिस्ट विधि की, उसमें उन्होंने दिखाया कि लगभग 17-18% रिटर्न मिल रहे थे 3 सालों में, हिस्टोरिकली 17-18% एनुअली ग्रोथ मिल रही थी, तो अभी तो इसमें ये शामिल नहीं था। उसमें उन्होंने कहा भी कि साहब डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक्यूमुलेशन होगा, डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बुक नहीं होगा। जिन्होंने वो फायर इन इंडिया वाला वीडियो देखा है बैक टेस्ट का,
उन्होंने लिखा कि डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक्यूमुलेशन होगा, डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बुक नहीं होगा। लेकिन अब मैंने आधी विधि बताई थी, अभी तो इसके आगे और भाग भी आने, देखो एल्केमिस्ट विधि आज खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, और भाग भी आएंगे। तो उसमें इसमें क्या, ट्रैक चेंज जब होगा ना तो डाउन ट्रेंड में ये बड़े फटाफट फास्ट आपको जो है प्रॉफिट दे के जाएंगे डाउन ट्रेंड में। इसमें आपको आनंद आएगा, इसमें एक्यूमुलेशन होगा। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसके अंदर समझा दूंगा। तो अब मैं आपको ज्यादा बोल्ड पे थ्योरेटिकल भाग में बोर नहीं करूंगा। मैंने निफ्टी बीज और बैंक बीज की और एस ETF निफ्टी 50 और एस ETF निफ्टी बैंक की एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल शीट 3 साल की पूरी बनाई है कि 3 साल में इनमें किया होता तो क्या होता। बाकी में कहां है आप कहोगे, 3 साल की इनमें तो बनाई आपने, अरे भाई बहुत मुश्किल कार्य, आप देखो मैंने कितनी मेहनत की है। और बाकी के लिए तो मैं अपने फॉलोवर्स को चैलेंज दूंगा, आप लोग बढ़ा के लाओ, मेरी सहायता करो। वीडियो के आखिरी भाग में बताऊंगा कि ये फॉलोवर्स के लिए चैलेंज होगा कि बाकी के अंदर मैंने जिस पैटर्न पे सीट बनाई है वैसी की वैसी सीट वो बढ़ा के मुझे ईमेल करके देवे तो मेरी बड़ी इसके अंदर सहायता हो जाएगी। वो वीडियो के आखिरी भाग में बताऊंगा मैं, पहले आपको ये प्रैक्टिकल भाग दिखा देता हूं, इन दोनों की मैंने जो प्रैक्टिकल सीट बनाई ताकि आपको जो अभी तक कम समझ में आया वो भी और समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। अब ये एक्सेल शीट है प्रैक्टिकल एग्जांपल वाली, इसमें आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2019 को क्लोज प्राइस पे जब मार्केट बंद होने लगेगा, इसमें देखो हाई प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं, दिन में कितना लोग है ऐसे कोई मतलब नहीं, 3 बजे के आसपास जब मार्केट बंद होने लगेगा तब हम इसमें लगभग क्लोज प्राइस के आसपास हमारे को 5 यूनिट हमने खरीदी। शुरुआती दौर पर हमें 6,000 रुपये का निवेश करना था तो 5 यूनिट इस क्लोज प्राइस पे जब हम 5 यूनिट खरीदेंगे तो 6,246.70 रुपये हो, यानी 6,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, नीचे से 1 पैसा भी नीचे नहीं होना चाहिए। फिर ये फार्मूला दे रखा है मैंने क्लोज प्राइस पे, इसकी वैल्यू जो है इस 5 यूनिट की वैल्यू, इससे सीधा इसको टोटल क्वांटिटी को क्लोज प्राइस से गुणा करके फार्मूला आ गया, 6,246.70 रुपये हुई। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो ये टोटल इन्वेस्टमेंट और क्लोज प्राइस को माइनस करके यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस अभी तो 0 हुआ पहले दिन, तो जो पहले दिन तो आपने क्लोज प्राइस पे खरीदा है और परसेंटेज में प्रॉफिट। तो इस तरह से जब हम 1 जुलाई 2019 से इसको चालू किया हमने तो उसके बाद ये मार्केट गिरता रहा, ये 30 जुलाई 19 को हमने जाके देखा कि ये -6% तक गिर गया, यानी पहले बार में ही 6% ये गिर गया। तो 6% गिरने के बाद हम क्या करते हैं, 6% गिरने के बाद आपको पता है कि हम जो है इसको 30 जुलाई को बंद प्राइस पर 6% से ज़्यादा नुकसान देख करके हम इसको आगे कल से बैकअप ट्रैक बैंक बीज में निवेश हम चालू कर देंगे। अगले दिन से हम इसको बैकअप ट्रैक जो है बैंक बीज उसके अंदर हम निवेश चालू कर देंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, साथ ही इसको कोई बंद नहीं करना है। जब ये 1 जुलाई को खरीदा तो ये तो इसके जो है 1 अगस्त को जस्ट एक महीने बाद हमने जो है प्रारंभिक निवेश हमारा 6,000 पर था तो 1600 रुपये प्रति माह की SIP करनी है। 1 अगस्त को हमने SIP के अनुसार खरीद की तो सिर्फ 2 ही यूनिट हम खरीद सकेंगे। इसको शेयर कह दो, यूनिट कह दो, क्योंकि एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है ETF जो होता है। तो अब 1600 रुपये का निवेश करना है तो 2 क्यों खरीदी कहेंगे सब, 1175 रुपये की 2 खरीदोगे तो ये लगभग 2300 रुपये से ऊपर हो जाएगी। तो भाई अब एक शेयर ही उस समय जब 1162.73 रुपये का था तो इसलिए 1600 में 1.37 शेयर बनते हैं जो शेयर होने के कारण फ्रैक्शन में आते नहीं, म्यूचुअल फंड तो आता है फ्रैक्शन में। तो इसलिए हमें अगले पूर्णांक में खरीदना, आगे भी हम ऐसा ही करेंगे कि यदि 1.37 बनती है कितना भी पॉइंटों में, 1 पॉइंट भी ऊपर आ गया तो हम नेक्स्ट पूर्णांक खरीदेंगे। तो 1.37 आए तो हम इसको 2 शेयर खरीदेंगे, SIP उसी प्रकार से हमें आगे भी बढ़ाना है। अब इस SIP का तो आगे क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में देखो यहाँ ये बैंक बीज मैंने सेकंड सीट में बैंक बीज लिया हुआ है, तो बैंक बीज को मैं आपको 1 जुलाई से स्थिति दिखाता हूँ। एक तो ये जो लाल अक्षर में कर रखे हैं, देखो 1 जुलाई को नहीं खरीदा इसको हमने, इसको हमने जब ये 30 जुलाई को 6% गिर गया था आप देख सकते हैं, उसके बाद 31 जुलाई से इसको खरीदा है। तो ये लाल अक्षर में क्यों कर रखे हैं, ये आपको खाली समझाने के लिए कर रखे हैं कि जैसे बैंक बीज को भी 1 जुलाई को खरीदा होता तो ये 8% गिरता। मैं कह रहा था ना कि जब ब्रॉडर इंडेक्स 6% गिरता है, ये मान लो 6% गिरा ब्रॉडर इंडेक्स, तो सेक्टर इंडेक्स जो है उल्टा और ज़्यादा गिरा हुआ मिलेगा। तो ये आवश्यक नहीं ऐसा हर बार ही हो, कभी कभी इसके विपरीत भी हो सकता है कि ब्रॉडर इंडेक्स गिरा और सेक्टर इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। इसलिए हमने इसको शिफ्टिंग का जो मामला रखा है कि बैक ट्रैक में जाने का, वो हमने बैंक बीज में रखा है। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए से लाल अक्षर में रखा था, ये मैं जो डिलीट कर रहा हूँ इसको ये डिलीट कर दिया। एक्चुअल में ये जब 30 जुलाई को आपने देखा था ये
30 जुलाई को 6% गिर गया, तब हमने बैंक बीज के अंदर भी 6000 रुपए की एक खरीदारी प्रारंभ कर दी। आप कहेंगे 6000 नहीं, ये तो 8000 रुपए है, तो इसका प्राइस भी उस समय 2938.98 था। अब देखो फॉलोअर कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले प्राइस एक बार चेक कर लिया करोगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि 1172 रुपए, 1200 रुपए निफ्टी बीज का कब रहा, बैंक बीज का 2900 रुपए कब रहा, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो अब कहीं भी देखते हैं उनके चार्ट वगैरह में देखते हैं तो ये 293 रुपए मिलता है, उनको 2938 रुपए नहीं मिलता। तो मैं तो पूरा लंबे समय से मार्केट में हूँ, तो ये प्राइस तो उस समय इसका तो 3000 रुपए के आसपास था बैंक बीज का, और निफ्टी बीज का 1100-1200 रुपए ही था। ये मैंने NSE की वेबसाइट से ऑथेंटिक डाउनलोड किया और मैंने देखा भी है, यही प्राइस थे। बाद में इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद ये जो है 1/10 के प्राइस, मैं आगे दिखाऊंगा ये कहाँ पे जाके किस डेट को स्प्लिट हुआ था, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और ये 3 शेयर इसलिए आए कि अब 2 शेयर ही जो 6000 से कम बनते हैं 2 शेयर लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अगले पूर्णांक में शेयर खरीदने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 3 शेयर खरीदेंगे 8816 रुपये, लगभग 6000 का इन्वेस्ट करना है, लेकिन 6000 से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, तो इसलिए इसको हमने खरीदा। फिर ये मार्केट तो गिरता रहा, इसके अंदर फिर भी 1 महीना पूरा हो गया, जब इसको 31 जुलाई को खरीदा तो 31 अगस्त को इसके अंदर SIP की राशि डाली और क्लोज पे ये कम से कम 1 शेयर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, भले ही 1600 रुपये आपको डालने, लेकिन 2700 का निवेश तो आपको करना ही पड़ेगा, 2734.35 का, 1 शेयर से कम क्या खरीदोगे। तो ये इसके अंदर 1 शेयर की राशि हमने डाली, तो इसके अंदर देखो आप 2 महीने से पहले ही 1 SIP खरीदनी पड़ी और 23 सितंबर 2019 को 8.62% का प्रॉफिट मिल गया, 995.81 रुपये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, पहले ही मार्केट उस समय गिर रहा था। आपका निफ्टी बीज तो अभी 23 सितंबर तक प्रॉफिट में नहीं आएगा, लेकिन ये अवश्य आ गया। तो अब आगे निफ्टी बीज की स्थिति दिखाता हूँ। निफ्टी बीज के अंदर इस तरह से 3 सितंबर को फिर SIP डाली, अब आप कहेंगे आप 1 तारीख को डाली, 3 को डाली, तो 30 अगस्त को मार्केट बंद था, जिस दिन मार्केट बंद होता है उसके अगले दिन खरीदते हैं, ये पैटर्न ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल का महत्व है। तो 3 सितंबर को अगली SIP डाली इसके अंदर हमने, और इसमें प्रॉफिट बुक कब हुआ, 27 सितंबर को हुआ, बैंक बीज में हमने 23 सितंबर को ही कर लिया, इसमें 27 सितंबर को नहीं प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, ये 27 सितंबर को ये प्रॉफिट में आया, 1.16% प्रॉफिट में आया, लेकिन हमें 6% प्रॉफिट चाहिए। 1 अक्टूबर को हमने अगली SIP की खरीद की, उसमें बैंक बीज में तो क्या था कि इसको गिरने के बाद खरीदते हैं, तो 23 सितंबर को प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन इसमें अभी आपको समय लगेगा क्योंकि मार्केट रिकवर होता है, तो पहली खरीद आपकी आगे चलती रहेगी, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं हो तब तक इसमें SIP की किस्त डालते रहना है आपको। 1 नवंबर को फिर अगली SIP डाली 2019 को, और अब ये देखो 5.68% प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन 6% पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब हमें दिन में गया होगा भले ही 6%, हम तो इसको क्लोज प्राइस के आसपास देखते हैं। 1 दिसंबर 2019 को फिर हमने इसमें अगली SIP डाली, तब जाके 19 दिसंबर 2019 को इसके अंदर 6.44% का प्रॉफिट बुक हुआ। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम लगा, 1 जुलाई से चले थे हम और दिसंबर तक आ गया, 6 महीने में जो है खाली 6% का प्रॉफिट ही बुक किया, तो 6 महीने में खाली 6% का नहीं किया, बीच में आपने बैंक बीज के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये 6 ETF में मामला चालू रखना है, 6 ETF अलग अलग डेट के होंगे, तो 6 महीने में किसी में प्रॉफिट पहले बुक होगा, किसी का सबका अलग अलग बैक ट्रैक भी होगा, तो जब ये पूरे सभी की 6 के 6 ETF आ जाएंगे निफ्टी बीज के, और 6 के 6 इसके अंदर बैंक ETF आ जाएंगे, तब आप देखोगे कि लगातार शेयरों की तरह इसमें भी लगातार प्रॉफिट बुक होता रहता है, ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने में प्रॉफिट बुक होता है, ये इस विधि का मजा है कि बीच बीच में भी आपको लगातार प्रॉफिट बुक होता रहेगा। जैसे ये SETF निफ्टी 50 है, SETF निफ्टी 50 है, साथ में ये भी तो आएगा ना। अब 1 जुलाई को पहला आपने निफ्टी बीज लिया, तो ये आपको कब लेना है, 5 अगस्त को लेना है, सीधा 5 जुलाई को नहीं लेना, ये मैंने आपको बताया ना कि 1 में कम से कम 35 दिन का गैप होना चाहिए, अगले महीने की 5 तारीख को लेना है, तो अगले महीने 5 तारीख को शुरू हुआ, तो जब ये शुरू हुआ तो ये अलग प्राइस पे शुरू हुआ, चूंकि ये मार्केट गिरा हुआ था, तो गिरे प्राइस पे शुरू हुआ, तो इसमें जल्दी प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसमें फिर 5 सितंबर को अगली SIP की खरीद की, तो इसका प्राइस उस समय जो है 111.90 रुपये ही चलता था, तो इसमें आप देखोगे इसके अंदर आपका 23 सितंबर को ही इसमें 7.43% प्रॉफिट बुक हो गया, इसमें बैक ट्रैक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर 23 सितंबर को हो गया, तो इसको वापस 5 अक्टूबर को मार्केट बंद था, तो 7 अक्टूबर को वापस हमने ले लिया, यानी इसकी 5 तारीख फिक्स है,
5 तारीख को मार्केट बंद हो तो अगली डेट को इसको फिर 7 अक्टूबर को हमने ले लिया, और इसमें 6% गिरता तो अगले बैक ट्रैक में हम जाते, आगे कभी गिरेगा तो हम इसमें अगले बैक ट्रैक में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 6 ETF एक साथ चलेंगे तो अलग अलग डेट में चलेंगे। मैं आपको फटाफट अब इसका क्विक रिव्यू दिखा देता हूँ। ये एक्सेल शीट तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिटेल में बाद में देख लेना। फिर देखो वापस इसके अंदर 31 दिसंबर 2019 को प्रॉफिट बुक करने के, मैंने लिखा है कि प्रॉफिट बुक करने के बाद ETF वापस उसी डेट को खरीदा जाता है जिसके लिए डेट फिक्स है। इसकी एक तारीख फिक्स है तो इसको एक तारीख को ही फिर वापस खरीदेंगे। तो 1 जनवरी 2020 को वापस इसके अंदर निवेश हुआ, और तब देखो उस समय मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई पे था अपने 12,942 के करीब ये मार्केट बनता है, और यहाँ ये स्टॉक स्प्लिट हो गया था। ये भी देख लो आप, 18 दिसंबर 2019 को इसका प्राइस 1,292 रुपये था, एक 19 दिसंबर को 130 हो गया, यानी 1/10 इसका प्राइस रह गया था। तो जिन फॉलोअर्स को बात मालूम नहीं हो, पता कर लेवे कि ये 19 दिसंबर को स्टॉक की इसकी फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी। तो इसलिए बार बार इस तरह कमेंट नहीं करें कि ये कभी 1200 रुपये रहा ही नहीं। तो अब ये 1 जनवरी 2020 को इसके अंदर फिर से हमने 6000 रुपये का निवेश किया, और आप देखेंगे इसको कि फिर ये कोरोना वाला टाइम आ चुका था, SIP डालते रहेंगे इसी तरह से। लेकिन इसमें ये 2 मार्च को बंद प्राइस पे 6% से ज़्यादा गिर गया, तो इसमें अगले दिन से हमने फिर बैंक बीज के अंदर निवेश किया। देखो ये इसका बैकअप ट्रैक है, 23 सितंबर को प्रॉफिट बुक करने के बाद बैंक बीज में हमने कुछ नहीं किया। कभी भी वापस निवेश कब करेंगे, जब पिछला आपका जो मेन ट्रैक है वो 6% से ज़्यादा गिर जाएगा। तो ये 2 मार्च को गिर गया था, तो 3 मार्च से इसमें मैंने ऐसे ही ये बैंक बीज के अंदर नई खरीदारी स्टार्ट दिखाई है 6000 रुपये की, और 3 मार्च की स्टार्ट की ये खरीदारी। अब कोरोना काल था तो ये भी अच्छा खासा गिर गया, तो -41% भी गिरा, लेकिन हम बिना घबराए इसमें फिर 3 अप्रैल 2020 को आपको SIP की राशि डालनी है। तो इसमें इसके अंदर भी आपको यहाँ पर जाके काफ़ी SIP करनी पड़ी है, लेकिन 15,000 तक जाते जाते भी टाइम लगेगा। SIP हमने इसी प्रकार से फिक्स की है कि 6,000 रुपये प्रारंभिक राशि, फिर 1,600 रुपये महीने की लगभग आपको SIP डालनी है। 21 अक्टूबर 2020 को जाके इसमें 6% प्रॉफिट बुक हुआ बैकअप ट्रैक में। लेकिन निफ्टी बीज में देखते हैं इसमें क्या हुआ। कई बार इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है कि पहले निफ्टी बीज में प्रॉफिट बुक हो जाए, तो इसमें भी हम ऐसे SIP डालते रहे। आप कहेंगे साहब कोरोना में तो बहुत टाइम लगा, हम तो यहाँ घबरा जाते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचते। तो पैसे देखो 1,00,000 रुपये यदि आपके पास हो तो ये सिस्टम बताया कि 1,00,000 पे आपको 6,000 से शुरू करना है, 1,600 की SIP डालनी है। 2,00,000 रुपये हो तो आपको 12,000 से शुरू करना है, 3,200 की SIP डालनी है। 3,00,000 हो तो 18,000 से शुरू करना है, 4,800 की SIP डालनी है। और ये 6 ETF साथ में परफॉर्म करेंगे तो कोरोना काल में भी ऐसा होगा कि कुछ की जल्दी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। यदि जैसे मैं आपको इसे SETF निफ्टी 50 में भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि इतना आपको इसमें इंतजार नहीं करना पड़ा, अलग अलग में साथ में होंगे तो किसी किसी में कोरोना काल में प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। इसमें जैसे 24 अगस्त 2020 को ही हो गई, उसमें बैंक बीच में समय लगा, बैंक वाले शेयर उस समय ज़्यादा गिर गए थे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐसा हो सकता नहीं कि सेक्टोरल इंडेक्स ज़्यादा टूटे, तो इसमें अगस्त 20 को ही कोरोना काल में इसमें 6% का प्रॉफिट बुक होकर 1,175.97 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। 24 अगस्त 2020 को वापस 1 सितंबर को लिए, और बैंक बीज में आपका जब 21 अक्टूबर 2020 को प्रॉफिट बुक हो गया तो इसको वापस कब लेंगे, जब ये मूल ETF 6% से ज़्यादा गिरेगा, इसको फिर से ले लिया आपने। और फिर देखो बुल ट्रेंड शुरू होने के बाद स्थिति देखिए बहुत फास्ट काम होगा। अब ये चूंकि बुल ट्रेंड शुरू हो चुका था तो एक ही SIP, 2 SIP की किस्त गई, इतने में आपका 6% प्रॉफिट बुक हो गया, 9,426 रुपये का निवेश हुआ। 2 ही SIP की किस्त डाली, इतने में आपको 630 रुपये आपने कमा लिए। फिर ये बुल मार्केट चालू हो गया था तो और भी फास्ट होगा। अब 6 नवंबर को प्रॉफिट बुक किया तो इसको वापस 1 दिसंबर को लेंगे, 1 दिसंबर को इसने फिर से लिया, तो आप देखोगे कि SIP भी नहीं डालनी पड़ी, 29 दिसंबर को ही आपका 6% का प्रॉफिट बुक हो गया। तो बुल मार्केट में तो बहुत जल्दी आपको 6% मिलेंगे। और फिर 1 जनवरी 2021 को डाली, 1 SIP की डालनी पड़ी आपको, और फिर 7.21% का प्रॉफिट बुक हो गया, यानी क्लोज प्राइस पे 6% से ऊपर होना चाहिए। अभी ऑटोमेटिक ही 6% से ऊपर आया तो हमने इसको बुक कर लिया। तो मैं ये पूरी शीट आपको ऐसे बोल के नहीं समझाऊंगा, फॉलोअर बोर हो जाएंगे। पूरी मैंने बना रखी है नीचे तक, इसको 2022 तक के डाटा डाल रखे हैं, आप इसको खुद आगे जाके चेक कर लेना। बैकअप ट्रैक में भी ऐसे कर रखा है, जब भी ये 6% ज़्यादा गिर गया बैकअप ट्रैक में हमने बैंक बीज का शेयर जो है ले लिया इसके अंदर। तो इस पूरी सीट के अंदर डाटा जो है नीचे तक आप देख सकते हैं, 2022 तक के इसके अंदर मैं नीचे डाल रखे हैं। 3 मार्च 2022 को ये 6% गिरा था, तो 3 मार्च 2022 को हमने इसको बैंक बीज के अंदर शिफ्ट किया था नीचे। आप देखो कई बार ये फास्ट भी बहुत
मुनाफा देता है। 4 मार्च 22 को हमने इसके अंदर 18 शेयर खरीद के 6,000 रुपये का निवेश किया और इसमें आपको क्विक रिटर्न मिल गया। 1 अप्रैल 22 को 7.53% मिल गया। बैकअप ट्रैप का मजा ये है कि ये चूंकि ज़्यादा गिरा होता है तो सबसे फास्ट प्रॉफिट ये देता है। डाउन ट्रेंड में भी इससे साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। ये आपके SETF Nifty 50 SBI वाले का मैंने बना रखा है, ऐसे इसके बैकअप ट्रैप का मैंने पूरी ये सीट बना रखी है। ये आराम से इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके समझ लेना इसको इसके मुताबिक। तो अब ये प्रैक्टिकल भाग देखने के बाद आप पूछेंगे तो भाई अब तो खजाना मिल गया क्या, एल्केमिस्ट वेदी का खजाना अब तो मिल गया क्या? क्योंकि बहुत फॉलोअर्स को जिज्ञासा होती है, पूछते थे कि साहब अब मैं कर दूं क्या 1 तारीख को ऐसे भी प्रारंभ का, आप इसमें कोई चेंज तो नहीं करने वाले हो? तो मैंने उनको यही कहा आप कर दो, मैं कोई मेजर चेंज नहीं करने वाला हूं। जो चेंज कहा अभी 6% मार्केट गिरा नहीं है, गिरेगा तो बस वो सेक्टोरल ETF जो है उसके अंदर आपको ट्रैक चेंज करना है, वो इसलिए कि डाउन ट्रेंड में भी हम प्रॉफिट बुकिंग का मजा ले सकें। तो आप पूछेंगे अब खजाना बुक नहीं हुआ तो अब आप कोई चेंज नहीं कर दोगे? तो जैसा कि मैं अगले बाकी हिंट पहले से देता हूं, इसमें हम कोई बड़ा चेंज नहीं करने वाले। अब हम ये चेंज करेंगे कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे मिलेगा। फॉलोअर कहते हैं कि इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी दिलाना, और मैंने आपको कहा था ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें किसी भी विधि से ज़्यादा प्रॉफिट आए ऐसा मैं करूँगा। तो अब जो प्रॉफिट बुक हुआ, खाली प्रॉफिट किसी में, कभी आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, कभी हमने 1100 रुपये प्रॉफिट बुक किया, कभी 1200 किया, कभी 900 किया, कभी 300 रुपये किया, कभी 500 रुपये किया, कभी 350 रुपये किया। ये प्रॉफिट बुकिंग की अमाउंट है, ये किस में डालनी है? तो ये हमें गोल्ड ETF में डालनी है, क्योंकि खजाना तो सोने में होता है। खजाना किस में होता है? सोने में होता है। खजाना गोल्ड में मिलता है, तो खजाना था तो ये गोल्ड में मिलेगा ना, अपने को सोने में मिलेगा। तो ये हमें गोल्ड ETF में डालनी है, बिना इस बात की चिंता किए कि वो प्रॉफिट में है लॉस में है किस प्राइस पे है। यदि आप प्रॉफिट बुकिंग करके घर पे ले जाना चाहते हो नियमित आय के लिए, पेट में खाना चाहते हो तो घर पे ले जाना। कईयों को निफ्टी से बैंक इससे बैंक निफ्टी से नियमित आय चाहिए तो घर में ले जाना आराम से इसको खाना आय को। लेकिन जो इस इनकम को खाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट मिले, ये कभी जरूरत पड़े जब काम आएगी। तो इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग है, कभी आपने 1200 रुपये प्रॉफिट बुकिंग किया तो उसी टाइम क्लोज प्राइस पे गोल्ड ETF का जो भी भाव चल रहा हो इसको हम गोल्ड ETF में लगाएंगे। उससे क्या होगा कि गोल्ड ETF की अमाउंट आपके पास 1 मिनट होती जाएगी। गोल्ड ETF भी कौन सा लेना है, फॉलोअर पूछेंगे कमेंट करेंगे, साहब गोल्ड बीज लें कौन सा लें क्या लें? तो देखो मैं हमेशा जो है ना, जब मेरी जो ऐसी पूंजी होती है ना शेयर बाजार में कमाने में, तो मैं प्राइवेट कंपनियां भी ले लेता हूँ कमाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, जो मुझे थोड़े दिन के लिए मेरे पास रखनी होती है, ट्रेड करके पैसा लेना होता है। लेकिन आपने देखा होगा मेरी जो 500 रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाने वाली विधि वाला जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा मैंने SBI का कॉरपोरेट बॉन्ड फंड लिया, कि जब मैं फाइनल प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिट मेरा होता है उसको मैं वापस प्राइवेट कंपनियों में, वापस इस तरह की चीज़ों में नहीं डालता। तो वहां मैंने SBI के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाला, यहां मैं SBI का जो गोल्ड ETF है SETF गोल्ड इसमें डालूंगा प्रॉफिट बुक करने के बाद। मैं तो आप चाहो तो गोल्ड बीज में या किसी भी ETF के अंदर सोने में डाल सकते हो। ETF में भी हमें थोड़े दिन रहना है, उसके बाद क्या होगा? अब आप कहोगे यहां पूरी होगी क्या? तो आगे के भाग का एक इंटोर दे देता हूं, यहां भी पूरी नहीं हुई। यहां क्या करना है, जब भी हमारे पास गोल्ड ETF 10,000 रुपये का हो जाएगा तो हम एक सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड की हंटिंग करेंगे, खरीदेंगे नहीं हंटिंग करेंगे, उसका शिकार करेंगे, यानी उसको मार्केट प्राइस से 5% कम पे खरीद के लाएंगे। कैसे खरीद के लाएंगे थोड़ा मैं मेरे पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। मैंने अभी मार्केट प्राइस से 5% कम पे कैसे खरीदा सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड, 10,000 का हो जाएगा तो एक गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, 20,000 के गोल्ड ETF हमारे पास हो जाएंगे तो 2 सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड हो जाएंगे। यानी वो 10,000 का होने पर हम इतनी अमाउंट बेच करके उसमें से, अब चलो पूरी नहीं बताऊंगा आगे के भागों में बताऊंगा पूरा, फिर आपका आनंद समाप्त हो जाएगा पूरा, आप आगे भाग का इंतजार करना आगे भाग में जाएगा। पहले आपको मेरे अकाउंट में प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं मैंने कैसे हंटिंग करके खरीदा था, फिर इसको आपको कैसे हंटिंग करना है पूरी विधि तो मैं डिटेल वीडियो इसका अगला भाग लेके आऊंगा। ये मेरे जीरो दाय खाते में सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड की हंटिंग की स्थिति है। ये जून 2019 में मैच्योर होने वाला गोल्ड बॉन्ड मैंने किस प्रकार से हंटिंग किया इसको देखो, 4,750 रुपये में खरीदा। तो इसका जबकि इशू प्राइस अभी जो नया सरकार इशू करती है वो 5,091 रुपये का आप खरीदते हो, सरकार से आप सीधे खरीदते हो तो 5,091 रुपये का खरीदते हो। मैंने इसको सेकेंडरी मार्केट से लगभग 5% के करीब डिस्काउंट पे 4,750 रुपये में खरीदा। और इसको देखो अभी ये ब्रेकडाउन में देखते हैं आपको मालूम चलेगा, इसका पूरा बाद में अलग से वीडियो आएगा कि किस प्रकार से इसका हंटिंग मैंने कैसे की है। 18 दिन के पहले खरीदा था इसको, 18 दिन पहले इसको मैंने
4,749 रुपए के अंदर अंटिंग करके खरीदा है, तो इसका पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा। इस प्रकार आप सरकार के इशू प्राइस से, जो सरकार का इशू प्राइस आप देख सकते हो 5,091 रुपए था जून के अंदर जो सरकार ने इशू किया था, उससे भी 2.5%। अभी सोने का भाव भी 53,000 रुपए के करीब जो चल रहा है, तो ये 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। उससे डिस्काउंट देखें तो जो 53,000 का सोना हमने जो 43,000 के भाव ही खरीदा है, तो ये तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट है सोने के बाजार भाव से देखें। लेकिन सरकार का जो इशू प्राइस है उससे भी इतने डिस्काउंट पे ये कैसे खरीद सकते हैं, और जब इसको 18 दिन ही हुए, 18 दिन में ये 71 रुपए के 71 रुपए के प्रॉफिट में भी आ गया। इस पर के अंदर आप बाद में बेच के ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी बिल्कुल लॉन्ग टर्म की विधि बताऊंगा। नहीं भी बेचते तो इसमें 2.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। मेरी SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाए किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी और पढ़ ले, में उसमें सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड की पूरी विधियाँ मैंने समझाई है, पूरा इसका फायदा समझाया है। आगे इसका एल्केमिस्ट विधि का अगला भाग आएगा तो उसमें इसकी हंटिंग का वीडियो बताया जाएगा कि पहले गोल्ड बीज में निवेश करेंगे, फिर कैसे उस गोल्ड बीज से इसमें सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड की हंटिंग करेंगे, वो सारा मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब जो लोग मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल की सीट को पूरा करने में सहायता करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन जो दे देता हूँ, वो प्रयास करना पूरी हो जाए तो मुझे ईमेल करना, मुझे अगला भाग लाने में सुविधा रहेगी, थोड़ी जल्दी रहेगी, आप लोग पूरी करके सहायता कर देंगे तो उनके लिए थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे पूरी करनी। अब जो फॉलोअर मेरी हेल्प करना चाहते हैं, इस सीट को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। उनके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सीट तो दी हुई है ही है, इसमें तो आपको इसी प्रकार करना है। निफ्टी बीज का बैकअप ट्रैक आपने बैंक बीज साथ में ले लिया, और इसमें मैंने निफ्टी बीज और बैंक बीज का तो पूरा कर रखा है 3 सालों का, इससे आपको देख के समझ जाएंगे किस पैटर्न में पूरा करना है। इसी पैटर्न पर होना चाहिए, अब आप ये नहीं कि इसका हेडिंग बदल दो या अपने दिमाग से कुछ और डाल दो, तो ज़्यादा इसको हेडिंग वेडिंग नहीं बदलने क्योंकि फिर फॉलोअर की समझ में नहीं आता, बाद में एक ही पैटर्न पर चलना है आपको। और ऐसे ही मैंने SETF निफ्ट 50 का ले रखा है, इसका बैकअप ट्रैक SETF निफ्ट बैंक का ले रखा है। अब आपको ऐसे ही आगे इसमें नई सीट ऐड करके ICICI निफ्टी का लेना है, फिर नई सीट का जो बैकअप ट्रैक ICICI निफ्टी का ICICI बैंक निफ्टी का लेना है, कोटक निफ्टी का लेना है, कोटक बैंक निफ्टी का लेना है, HDFC निफ्टी का लेना है, HDFC बैंक। इस प्रकार से 6 निफ्टी के ETF आपको पूरे करने हैं, 6 के 6 बैंक ETF आपको पूरे करने हैं। खरीदने में हमारे जो विधियों का पैटर्न का ध्यान रखना है, ये 1 तारीख को आएगा तो फिर ये इसके 35 दिन बाद अगले महीने की 5 तारीख को आएगा, फिर वो अगला उसके 35 दिन बाद उससे अगले महीने की 10 तारीख को आएगा। इस प्रकार से पूरे वीडियो के भाग देख के समझ के इसके पैटर्न को जिन्होंने समझा है याद रखा है वही इसमें हेल्प के लिए सीट को पूरा कर पाएंगे। यदि कोई मुझे पूरा करके ईमेल करेगा तो मैं अगले वीडियो में उसके नाम सहित उसको दिखाऊंगा, और कोई नहीं कर पाएगा तो कोई नहीं, मुझे तो फिर पूरी करनी है ही है। और साथ में आपको फिर एक मेहनत और करनी पड़ेगी, अभी इतनी जल्दी से पूरा मत मानना, एक ये प्रॉफिट लॉस पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कि जैसे 1 तारीख को हमने शुरुआती निवेश बैंक बीज में 6,246.70 रुपए का किया था। अब कई ऐसे भी कमेंट करेंगे ब्रोकेज भी लगता है, तो लगता है भाई, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन गणना में सरलता के लिए हम ब्रोकेज की गणना और ऐड कर देंगे, बहुत हार्ड हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसको प्रॉफिट बुक करो, 995 रुपए बुक करो तो मान लेना आपका 95 रुपए ब्रोकेज लगा, इसको 900 रुपए ही मानना, ब्रोकेज काट के ही करना। तो अब ये 6,247 रुपए 1 जुलाई से चलेंगे, 1 जुलाई को हमने किस में लगाए थे, निफ्टी बीज में लगाए थे, आज की डेट तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी रही और प्रॉफिट बुकिंग हमने कितना किया, बेसिक अमाउंट कितनी हमें वापस मिली, तो अभी तो 0-0 ही आएगा पहले दिन तो। और यहाँ देखो निफ्टी बीज और बैंक बीज दोनों में हमें 3 सितंबर को इन्वेस्ट किया था, तो दोनों का ये जोड़ के लिखा है मैंने यहाँ पर जो 5,024 रुपए लगे थे हमारे, तो टोटल मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 22,000 रुपए हो गया था, लेकिन 23 सितंबर को बैंक बीज में प्रॉफिट बुक हो गया, तो नया निवेश तो 0 बताना है। और इस डेट तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी क्या है, 10,862.50 रुपए आई, और प्रॉफिट बुकिंग इसमें 995.81 रुपए हुआ था बैंक बीज में। तो बेसिक अमाउंट हमें जो मूल निवेश जो है 11,551.19 रुपए वापस मिल गया था, तो इस वापस मिले हुए निवेश को हमने इसमें से कम किया है, माइनस किया है। यहाँ फार्मूला मैंने दिया हुआ है, फार्मूला मैंने डाल रखा है, मैं आपको थोड़ा इसको देखता हूँ, ऐसे दिखा सकते हैं तो ऊपर ले जाके, ऊपर तो नहीं जाएगा अभी, तो फार्मूला बार में आपको हमने फार्मूला डाल रखा है कि इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्रॉफिट बुक होने के बाद, इसमें से ये वाली अमाउंट जो बेसिक अमाउंट हमें वापस मिली वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग का पैसा हम अलग से रखेंगे, इसका बाद में क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसको आप या तो करके खर्चे के लिए काम में ले सकते हो,
या जो इसका एक उपयोग और भी है जो लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो एक आपको ये बैलेंस शीट भी मैंने इन दोनों ईटीएफ में जितनी बना सका उतनी तो बनाई, 21 अक्टूबर तक तो मैं आ गया, उससे आगे पूरी बनानी पड़ेगी। समझो कभी 1123 का प्रॉफिट बुक हुआ, कभी 1175 रुपये 97 पैसे का हुआ, ये सब मैंने 21 अक्टूबर तक बनाई। आपको पूरी कोई हेल्प वाला बना सके तो बनाना, नहीं तो मुझे तो इसको बनानी है ही है। तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसको भी आपको आगे साथ में बढ़ाना पड़ेगा तो ही मजा आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरी जो आने वाली पुस्तक है आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अब जल्दी आने वाली है। प्रभात प्रकाशन का मेरे पास फोन आया था, जब भी आएगी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और पॉकेट FM पे मेरी ऑडियो बुक्स भी आने वाली है, तो आप पॉकेट FM पे जब भी आएगी वो भी मैं आपको सूचित कर दूंगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा भाग। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।